गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अंकुर पाठक अगेन और मैं हिंजेवाड़ी में हूँ इस वक्त फेज थ्री में। और यहाँ पर हम एक बहुत ही अपने दोस्तों के साथ कर रहे हैं। ये हिंजेवाड़ी उत्कल एसोसिएशन है और आज ये इनका टूर कहीं पे जा रहे हैं, तो चलिए उनके एसोसिएशन से और उनके रिप्रेजेंटेटिव से बात करते हैं, पता करते हैं कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं। आए, हेलो आशीष। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी हेलो। ज़रा डिटेल बताओगे कहाँ जा रहे हैं और क्या करने वाले हो आज? जी हम हुआ एसोसिएशन है, हिंजेवाड़ी उत्कल एसोसिएशन, जिसमें हम ओरिया वाले यहाँ पे एक गेट टुगेदर रखे हैं और हम लोग जैसे डिफरेंट फंक्शंस वगैरह कंडक्ट करते हैं, उसके बाद जब टाइम मिल जाता है तो हम सारे ओरिया बंदे मिल के एक जगह पे जाते हैं, पानसेट डैम हम जा रहे हैं और जहाँ पे हम पूरी दिन आज मस्ती में करेंगे और खा पी के मस्त एंजॉय करके आने वाले हैं। ओके। और एक चीज बता दूं आपको, और ये एसोसिएशन हम लोगों ने ओरिया पब्लिक जो मिलके हम लोगों ने स्टार्ट किया था, बट आप ये मत सोचिए कि खाली ओरिया वाले हैं, ये दरवाजे सबके लिए ओपन है, आप लोग भी इसके साथ जॉइन कर सकते हैं। जय जगन्नाथ। चलिए मैं शुरू करते हैं, स्टार्ट कीजिए। चलिए श्री गणेश होने वाला है हम लोगों का भी। दरवाजा सबके लिए ओपन है। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। तो फाइनली अब हम पहुंच गए हैं पानसेट डैम पे, और ये डैम जो है हिंजेवाड़ी से लगभग 50 किलोमीटर दूरी पे है। तो पहले तो हम इस जगह को एक्सप्लोर करेंगे, चारों तरफ देखेंगे कि कैसा माहौल है, और चूंकि थोड़े थक गए हैं, मॉर्निंग का टाइम है, बहुत ही ज़ोर से भूख लगी है, तो पहले हम करेंगे यहाँ पे ब्रेकफास्ट। तो दिखाते हैं आपको यहाँ पे ब्रेकफास्ट का मेन्यू क्या है। हेलो आशीष। आशीष क्या चल रहा है यहाँ पे? बस पूरी तल रहे हैं। पूरी तल रहे हैं, वेरी गुड।
ब्रेकफास्ट के बाद अब हमने यहाँ पे जगह देखी, एक हमें बहुत ही अच्छा सा बड़ा पेड़ दिखाई दिया, काफ़ी छांव थी क्योंकि थोड़ी थोड़ी धूप पड़ने लगी थी तो थोड़े थक भी गए थे, इसलिए सब पेड़ के नीचे बैठे और यहाँ पे फिर मस्ती शुरू की। सब ने अपने अपने ग्रुप्स बनाए और साथ में सबसे पहले स्टार्ट हुआ हाउजी, तो सब ने टिकट्स लिए और खेलना शुरू किया। सेकंड, एट, एट, अच्छे से धीरे धीरे। कांग्रेचुलेशन, वी आर सेकंड लाइन, तो सेकंड लाइन का खेल है। कांग्रेचुलेशन, कांग्रेचुलेशन, वी गॉट कॉर्नर आल्सो। कांग्रेचुलेशन आप दोनों का अमाउंट स्प्लिट हो जाएगा। ओके, रश्मि, रश्मि दीदी को फर्स्ट लाइन है ला? तो एबे हमे प्ले करबा ओनली फॉर फुल हाउस। एई टाइम रे स्मृति आई पढेले। यस, वी कांग्रेचुलेशन सुजीत भाई जरा को बहुत फुल हाउस हे गला, तो हमे फुल हाउस एबे अनाउंस कर देबा समस्त को स्टेज ऊपर आसी जेबे आ तांकर प्राइस मन नै जेबे। फर्स्ट लाइन आगो छोरा गंगा किनारे वाला, छोरा गंगा किनारे वाला, ओ खाई के पान बना ले जाए बंदे। ओके, 1 2 3 गो। धीरे 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 धीरे। काफी देर तक मौज मस्ती और गेम्स करने के बाद में अब ये टाइम हो चला था लंच का, तो यहाँ पे कुक हमारे साथ ही आए थे, तो जब तक हम यहाँ मस्ती कर रहे थे तब तक कुक ने खाना प्रिपेयर कर दिया था। चलिए आपको दिखाते हैं लंच में क्या मेन्यू है और कैसे खाया जा रहा है। सबसे अच्छी एक बात ये थी कि एक तो हमें ये उड़िया ट्रेडिशन का खाना खाने को मिला, सेकेंडली ऑप्शन में हमारे पास वेज और नॉन वेज दोनों ही थे, तो जिनको वेज चाहिए तो उन्हें वेज खाना मिला और जिनको नॉन वेज चाहिए तो उन्हें नॉन वेज। लंच करने के बाद थोड़ा आराम किया और उसके बाद फिर हम निकल चले डैम की तरफ। वहाँ पर काफ़ी पानी था और लगभग सनसेट का टाइम होने ही वाला था, तो सोचा थोड़े वहाँ के भी मज़े ले जाएँ। यहाँ आकर बच्चों ने खूब सारी मस्ती की पानी में, यहाँ तक कि नहाए भी और काफ़ी अच्छा लगा उनको। और यहाँ पे हमारे दोस्तों ने फ़िशिंग भी की और उन्होंने दिखाया फ़िशिंग कैसे करते हैं और बहुत कुछ सीखने को भी मिला। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि जब भी आप पानी के किनारे मस्ती कर रहे हो बच्चों के साथ, तो मेक श्योर कि आप 1 मीटर से ज़्यादा आगे ना जाएं क्योंकि उसके बाद सडन से काफ़ी डीप है।
और सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बिल्कुल ध्यान रखना कि आपकी ये ट्रिप स्पॉइल ना हो जाए। तो चलिए अब आपको हम यहाँ के आसपास की ग्रीनरी और यहाँ का एरियल व्यू आपको दिखाते हैं। तो दिखाते हैं आपको कुछ ड्रोन शॉट्स, देखिए। Thank you.
सो फाइनली गाइस हाउ इज द दोष फाइनली क्या बोलोगे होप यू हैव एंजॉयड ऑल द डेज एंटायर इवेंट एंड इट वाज इवेंट फुल डे एंड द फूड वाज ऑसम आई मस्ट से एंड आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड राइट प्लीज डू विजिट एंड सब्सक्राइब शेयर एंड सर होप आपको ये पिकनिक भी काफ़ी अच्छी लगी होगी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू वेरी मच